हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड की दो नई फिल्मों से जो कि कल ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। तो भैया ये फिल्में कौन सी हैं? तो भैया बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि पंगा और उसी के साथ स्ट्रीट डांसर 3D यानी कि बॉलीवुड के कुली नंबर 2 वरुण धवन की फिल्म। तो भैया इन दोनों फिल्मों को कितना स्क्रीन मिला है और इन फिल्मों का बजट क्या है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती हैं, तो वही आंकड़े मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रीट डांसर 3D की, क्योंकि इस फिल्म को स्क्रीन बहुत जबरदस्त मिला है और उसके साथ साथ इस फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट भी आया है वो भी अच्छा है और बताया जा रहा है कि पहले दिन ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को यानी कि स्ट्रीट डांसर 3D को इंडिया में 3,700 स्क्रीन मिला है और ओवरसीज में 6,700, यानी कि टोटल अगर स्क्रीन काउंटिंग अगर हम लोग बताएं इस फिल्म की तो भैया 4,370 स्क्रीन मिले हैं स्ट्रीट डांसर 3D को। और उसके बाद इस फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट रहा है पहले दिन का, तो वो रहा है 20% के आसपास, यानी कि 20% इसका ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट रहा। और जो बातें कही जा रही थी कल तक कि भैया ये फिल्म हो सकता है कि तानाजी के बिजनेस को क्रॉस कर सकती है, तो वैसा नहीं है भाई। इस फिल्म का जो बिजनेस पहले दिन का रहेगा वो लगभग 10 से 11 करोड़ रहेगा, यानी कि ये फिल्म इतना ही कमा सकती है पहले दिन इतना सारा स्क्रीन लेकर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं भैया पंगा गर्ल यानी कि कंगना रनौत की, तो भैया उनकी फिल्म पंगा को जो स्क्रीन मिला है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि भैया 1,450 स्क्रीन मिले हैं इस फिल्म को इंडिया में और वहीं पे इस फिल्म को ओवरसीज में 450 स्क्रीन मिले हैं, यानी कि टोटल स्क्रीन काउंटिंग इस फिल्म की हो रही है 1900। और इस फिल्म का जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट रहा है पहले दिन का, तो वो है 5 से 10%। और इस फिल्म को पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिल सकती है तो वो है 2 से 2.5 करोड़, मतलब इन दोनों फिल्मों का जो कलेक्शन कुछ कुछ ऐसा रहेगा। अगर मैं दोनों फिल्मों की बजट की मैं बात करूं तो भैया पंगा का जो बजट है वो है 25 करोड़ और वहीं पे स्ट्रीट डांसर 3D का जो बजट है वो करीबन 50 करोड़। तो कुल मिलाकर इन दोनों फिल्मों का जो टोटल बजट है वो है 75 करोड़। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पंगा को अगर अच्छा स्क्रीन काउंट मिलता तो ये फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D से बेहतर कलेक्शन कर सकती थी कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी और स्ट्रीट डांसर 3D इस फिल्म के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।